हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक और मज़ेदार वीडियो लेकर आ गया हूँ मैं आपके लिए। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए टॉप 5G स्मार्टफोन, जो कि आपको अंडर 20,000 बजट देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर। और दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार और हेल्पफुल वीडियो हम बनाते रहते हैं आपके लिए। टाइम वेस्ट न करते हुए दोस्तों, इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। नंबर 4 पर जो स्मार्टफोन आता है, उस स्मार्टफोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी M42 5G। स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, काफ़ी ज़्यादा वेल नोन है। दोस्तों, 6.67 इंचेस का सुपर एमोल डिस्प्ले मिल जाता है इस स्मार्टफोन के अंदर, यानी कि इमेज क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। सुपर एमोल डिस्प्ले आंखों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 6GB रैम मिल जाती है, 128GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 750 5G प्रोसेसर मिलता है, जो कि 8nm बेस्ड टेक्नोलॉजी पर आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। आप इस प्रोसेसर के अंदर ठीक ठाक तरीके से गेमिंग भी कर सकते हैं, हैवी सेटिंग्स पर हैवी गेमिंग भी कर सकते हैं। एंड्रॉयड 11 पर ये स्मार्टफोन बेस्ड है। इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की बात करूँ तो 4 कैमरे मिल जाएंगे स्मार्टफोन के अंदर आपको। 48MP का मेन कैमरा मिल जाता है, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए, 5MP का मिल जाता है स्मार्टफोन के अंदर डेप्थ सेंसर, और 5MP का ही मिल जाता है मैक्रो लेंस। साथ ही साथ इस स्मार्टफोन का जो लिस्ट में होने का कारण है ना, वो है इसका सेल्फी कैमरा। 20MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, और कैमरा क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सुपर्ब है स्मार्टफोन की, क्योंकि दिस स्मार्टफोन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सैमसंग। दोस्तों, सैमसंग के स्मार्टफोन में कैमरे तो बहुत ज़्यादा गजब होते ही हैं, और इस बार तो प्रोसेसर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, विच इज़ प्रीटी क्विक। 5000mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है 15W के फास्ट चार्जिंग के साथ, जो कि बिल्कुल भी फास्ट नहीं है। ये एक स्मार्टफोन का एक कोन है कि भाई इसके अंदर जो फास्ट चार्जिंग है वो थोड़ी सी कम है बाकियों के मुकाबले, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप एक सेल्फी लवर हैं और गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, और आप एक सैमसंग लवर भी हैं, तो आपके लिए स्मार्टफोन पहली पसंद होना चाहिए अंडर 20,000 बजट 5G स्मार्टफोन के लिए। चलते हैं दोस्तों इस वीडियो के नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ, जो कि आता है रियलमी की तरफ से। इस स्मार्टफोन का नाम है रियलमी 8 5G। दोस्तों, 6.5 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है 90Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ, यानी कि आपका स्क्रीन एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होने वाला है। MediaTek का Dimensity 700 प्रोसेसर मिल जाता है स्मार्टफोन के अंदर, जो कि 5G रेडी टेक्नोलॉजी पर आता है। और स्मार्टफोन के अंदर आपको मिल जाती है 5000mAh की बड़ी बैटरी 18W के फास्ट चार्जिंग के साथ, विच इज़ क्वाइट गुड। 48MP का कैमरा सेटअप मिलता है स्मार्टफोन के अंदर, ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाला है, 4 कैमरे नहीं मिलेंगे। क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, 10x जूम के साथ मिलता है ये जो 48MP का कैमरा है। 2MP का सेकेंड कैमरा है, जो कि मैक्रो लेंस है, और 2MP का डेप्थ सेंसर है, जो कि तीसरा कैमरा है। और इस स्मार्टफोन के एंड्रॉयड वर्जन की बात करूँ ना, तो स्मार्टफोन आता है एंड्रॉयड 11 पर। रियलमी UI 2.0 पर इस स्मार्टफोन बेस है, और स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। चलते हैं इस वीडियो के नंबर 2 स्मार्टफोन की तरफ, जो कि है रियलमी 8S 5G। दोस्तों, इस स्मार्टफोन की बात करूँ ना, तो 6.5 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है, अगेन 90Hz का फास्ट रिफ्रेश मिलता है, यानी कि गेमिंग करना चाहते हैं तो स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, क्योंकि स्मार्टफोन के अंदर प्रोसेसर दमदार लगा है, MediaTek का Dimensity 810 प्रोसेसर लगा है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है स्मार्टफोन के अंदर, अंतुतु स्कोर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था स्मार्टफोन के अंदर, और स्मार्टफोन के जो बेजल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं। और ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लुक में आता है, फिनिशिंग आती है स्मार्टफोन के अंदर। 64MP का कैमरा सेटअप मिल जाता है, ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है स्मार्टफोन के अंदर, और 20x जूम के साथ मिल जाता है ये कैमरा। 2MP का मैक्रो लेंस एंड 2MP का डेप्थ सेंसर 16MP के फ्रंट कैमरे के साथ, 5000mAh की बड़ी बैटरी तो मिल ही जाती है, 33W का फास्ट चार्जिंग भी मिल जाता है स्मार्टफोन के अंदर। एंड्रॉयड 11 रियलमी UI 2.0 पर ये स्मार्टफोन आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। बात करूँ स्मार्टफोन की प्राइस की, तो 17,999 का ये मोबाइल फ़ोन आपको अभी मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो, तो वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों इस वीडियो के नंबर 1 स्मार्टफोन की तरफ, जिस स्मार्टफोन का नाम है IQ Z3। दोस्तों, 6.58 इंचेस का मैसिव साइज का डिस्प्ले मिल जाता है, IPS LCD होने वाला है, 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ,
यानी कि आपको गेमिंग करने में सच में मज़ा आने वाला है स्मार्टफोन के अंदर। क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 768G प्रोसेसर पर स्मार्टफोन आता है। 6GB रैम मिल जाती है, 128GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, 128GB की 64MP का कैमरा सेटअप मिलता है, ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है 8MP के अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए और 2MP के मैक्रो लेंस के साथ। 16MP का मिल जाता है फ्रंट कैमरा, जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फ्रंट और बैक कैमरे की क्वालिटी दोनों की काफ़ी ज़्यादा सुपर क्वालिटी के साथ आता है। 4400mAh की बैटरी मिल जाती है 55W के फास्ट चार्जिंग के साथ, यानी कि बहुत ही जल्दी स्मार्टफोन ये चार्ज होने वाला है। और स्मार्टफोन के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड से काम करते हैं। एंड्रॉयड 11 पर ये स्मार्टफोन आता है। फन टच ओएस 11.1 पर ये स्मार्टफोन बेस्ड है। प्राइस की बात करूँ ना स्मार्टफोन की, तो 19,990 रुपये का ये स्मार्टफोन मिल जाता है आपको। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक इट एंड शेयर इट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।